हाय गाइस, आदाब। मैं डॉक्टर शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। गाइस, आज हमारे पास में कुछ लोगों के ये कमेंट्स आए कि जिस तरीके से गर्मियाँ बढ़ी हैं तो नौजवानों के अंदर ख़ासतौर से स्वप्न दोष की शिकायत, छींकने की शिकायत और ख़ासतौर से मास्टरबेट की आदत बढ़ जाती है गर्मी की वजह से। तो कुछ लोगों ने पूछा, सर अत्यधिक मास्टरबेट करने से, मास्टरबेशन करने से, हस्तमैथुन करने से, मुष्टिजनी करने से क्या दिमाग पर भी असर पड़ता है? तो मैं अपने तमाम व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, इस चीज़ के ऊपर अलग अलग मिथ्स हैं, अलग अलग राय हैं। यूट्यूब पर जाएंगे तो हर तरह की आपको वीडियो मिल जाएंगी। कुछ लोगों का कहना होगा इस पर कोई रिलैक्स मिलता है, और वाकई में सच्चाई, आदमी अगर लिमिट के अंदर सेक्स करता है तो उसको रिलैक्स महसूस करता है और उसको नींद भी आ जाती है, अगर उसको नींद नहीं आ रही इसमें कोई दो राय नहीं। तो लेकिन मेरा डॉक्टर शेख का जो एक 40 साल का तजुर्बा है, और तमाम तरह के पेशेंट हमारे पास में आते हैं, और जो पेशेंट अत्यधिक हस्तमैथुन करते हैं और एक एक रात में तीन तीन चार चार बार मास्टरबेट करते हैं, तो मेरा मानना यह है कि उनके दिमाग में विकृति पैदा हो जाती है, वो मास्टरबेशन के अडिक्टेड हो जाते हैं। वो ख़ास तौर से उनके अंदर चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, बात बात पे गुस्सा लिलचिलाट आनी शुरू हो जाती है, और उनके कई बार क्या बाल वगैरह भी झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अत्यधिक हस्तमैथुन करने से हमारे दिमाग पर असर पड़ता है, दिमाग कमज़ोर होता है, बदन कमज़ोर होता है, शरीर कमज़ोर होता है, याददाश्त कमज़ोर होती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, चेहरे की रौनक चली जाती है, याददाश्त कम हो जाती है, कुछ चीज़ें भूलने लग जाते हैं, सिर में बहुत ज़्यादा करने से जो है सिर में दर्द भी होने की कई पेशेंट हमें आके बताते हैं, सर हम जब अत्यधिक हस्तमैथुन करते रात भर सो नहीं पाते, कोई कहते हैं हमारे सिर में दर्द रहता है, कोई कहता है कि हमारी आँखों से, तो इस तरह की शिकायत है। तो मेरा मकसद ये है तमाम नौजवानों से, ये है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप मास्टरबेट से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं, या आपको एडिक्शन हो गया है, या बिना मास्टरबेशन के नहीं रह पा रहे हैं, या हस्तमैथुन के बगैर नहीं रह पा रहे, तो देखिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो है वीक के अंदर एक या दो बार से ज़्यादा किसी भी सूरत में आप मास्टरबेट हस्तमैथुन ना करें। इससे आपकी धातु छीणता होती है, इससे आपका ओझ कम होता है, इससे आपकी शक्ति छीण होती है, इससे आपका बदन कमज़ोर होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी सूरत में मास्टरबेशन ज़्यादा ना करें, इससे दिमाग पर भी असर पड़ता है, शरीर पर भी असर पड़ता है, सेहत पर भी असर पड़ता है। जहाँ तक बात यह है कि इसको किस तरीके से इस आदत को कम किया, तो हमारी वैसे तो मेरी क्लिनिक काफ़ी क्लिनिक है, मेरी क्लिनिक किसी जिस सिटी से आप बात करें और आपको लगता है उस सिटी में मेरी क्लिनिक वहाँ पर है, तो वहाँ पर मेरी क्लिनिक पर आप विजिट करें, मुझसे आकर मिलिए, जिससे कि मैं आपको सही समाधान बता सकूँ। या बहुत आप बहुत ज़्यादा दूर हैं और आपको आने में असमर्थता है और आप नहीं आ नहीं पा रहे, तो आप घर बैठे हमारे यहाँ से फ़ोन करके अपनी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी देकर, और पूरी जानकारी देने के बाद में आप हमारे यहाँ से घर बैठे दवा भी मंगा सकते हैं। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों को एक जो भ्रम है, जो असल जानकारी है, सही जानकारी है, उनको मिल सके। वैसे तो यूट्यूब पर तमाम तरह यूज़ पाने के लिए तमाम तरह की वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर होती है, सच्चाई से परी होती है। जहाँ तक हमारा एक संबंध है, तो हमारा एक पूरी समझिए कि ज़िंदगी गुजरी है इस वर्क के अंदर, इस काम के अंदर, और लाखों मरीजों का हमारे पास तजुर्बा है, लाखों मरीजों के अनुभव है हमारे पास। तो मेरी यही सलाह है आप लोगों को ख़ासतौर से कि अपने दिमाग पर कंट्रोल रखें, जिस और आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए, ऐसे काम के बारे में सोचिए, और इस एक जो आदत है, एक जो एक लिमिट के अंदर वो तो तब ठीक, अगर अत्यधिक है तो वो आपकी सेहत के लिए, शरीर के लिए अत्यधिक नुकसान कर सकती है, इसलिए इसको छोड़ना ही बेहतर है। शुक्रिया आदाब। ये जानकारी कैसे लगी उसको आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।